तो हम जा रहे हैं अभी हमाइल की फ्रेंड की मेहंदी पे, घर नहीं फ्रेंड के घर नहीं, उसकी मेहंदी पर जा रहे हैं। मेहंदी पे जा रही है, हेयर स्टाइल भी बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू आपी। और मेरी एक ही फ्रेंड है, वैसे मेरा फ्रेंड जोन इतना बड़ा नहीं है, एक ही फ्रेंड है, वो दुबई में थी, तो अभी उसकी माशाल्लाह से शादी है, आज मेहंदी है। वो दुबई से आई है यहाँ पे शादी करने और मेरी फ्रेंड यहाँ से दुबई जा चुकी है शादी करके। ऐसे ही होता है, फिर चली जाएगी ना वापस शादी। हाँ, लेकिन वो शादी करने आई है यहाँ पे, आज उसकी मेहंदी थी और मेरी फ्रेंड को रमजान में शादी करनी पड़ी, दुबई जा रही थी और रमजान के बाद आ गई, बस जिसको जैसे सूट किया। हाँ, ऐसे होता है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। और चलो तो अभी आपको इवेंट पे मिलेंगे, लेट्स गो। माइल का फुल लुक कुछ ऐसा है कि इसने पहना है अपने मायों का ड्रेस, यस, और ये कंट्रास्ट है, ये झुमकियाँ और चूड़ियाँ, और ये जो है ना, ये इसने मेरून कलर के शूज मैचिंग किए हैं। ये है ना, बहुत उठ रहे हैं और ये कलर तुम पे बहुत प्यारा लग रहा है। तो मेरा ड्रेस कुछ इस तरह है जो मैंने सुहाया से लिया था, टू पीस, बहुत ही पुराना है। हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन बैठे बैठे हो रहे थे बोर, तो हम भी तैयार होके निकल पड़े। और फिर शादी का खाना खाने का भी बहुत दिल हो रहा था हमारा, तो हमसे सब्र नहीं हुआ, हमने कहा चलो और शादी का खाना खाते हैं। तो जी, हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, लेकिन यहाँ पे इतने कोई सॉन्ग चल रहे थे कि हमारा व्लॉग में तो कॉपीराइट आ जाना है, तो इस वजह से हमने आवाज़ बंद करके वॉइस रिकॉर्ड किया है, थोड़ा सा वाइटी का म्यूज़िक लगाया है। और फिर जो है ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था, और खाना तो फिर क्या ही बात थी खाने की। और ये है मेरे हाथ इतने सिंपल के चलते चलते, ये रिंग और चूड़ियाँ भी मैंने गाड़ी में पहनी है, ये भी मैंने नहीं पहनी थी, मैंने कहा कुछ तो लगना चाहिए कि शादी अटेंड करने आई है, खाने के लिए नहीं आई, बिल्कुल ऐसा ही ना लगे कि खाना खाने के लिए आई है। तो ये बैठे हैं सामने हमाइल सईद, दोनों ब्यूटीफुल भाई और भाभी मेरे। यहाँ पे अभी दुल्हन का सामान आ चुका है, यहाँ पे स्टेज पे सारा दुल्हन की चीज़ें लगाएंगे जो दूल्हे वालों ने दिए, इस तरह होता है ना, दिखाते हैं। और यहाँ आ चुके हैं गोल गप्पे, जो कि हर किसी को पसंद है, वो कोई इंसान, कोई बच्चा नहीं जिसको गोल गप्पे पानी पूरी ना पसंद हो। और वैसे भी यहाँ पे भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, और फिर इतनी अच्छी चीज़ आ जाए, हाय क्या बात थी गोल गप्पों की, बहुत मज़ेदार थी। अच्छा, दुल्हन हो या दूल्हा हो, जिसके घर में लड़कियां होती हैं ना, रौनक वही लगाती है। और यहाँ पे देखो, लड़के वालों की तरफ से नहीं, लड़की वालों की तरफ से रौनक ज़्यादा थी, क्योंकि बहनें ही रौनक लगाती हैं, फिर चाहे भाई की शादी हो या बहन की, जिस घर में होंगी बहनें तो उस घर में होगी रौनक, ऐसा हकीकत है। वरना लड़के वालों के घर में जाओ, अगर लड़की नहीं है ना, बिल्कुल रौनक नहीं होती, यकीन माने बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता, बोरिंग वाला माहौल होता है अगर लड़कियाँ ना हो, सारा माहौल ही लड़कियां बनाती हैं ना, इतना एंजॉय, छोटे से इवेंट को इतना बड़ा माहौल बना देती हैं लड़कियां, यकीन करें ना, लड़कियों के बगैर तो कोई इवेंट ही नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा इवेंट हो, रख लो ना आप खाना कैसा भी रख लो, लेकिन लड़कियां ना हो ना तो कोई इवेंट ही मज़े वाला नहीं होता। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे बेटों की बहनें नहीं हैं, लेकिन कज़नें हैं अपनी, लेकिन जो बहनें माहौल बनाती है ना दिल से, उनकी बात अलग है, जो बात है। अब हमारे भाई की भी कज़नें थी, सब था, सब ने बहुत किया, लेकिन जो बहनें जज्बात ही हो रही होती है ना, जो जज्बात पर निकल रहा होता है ना कि भाई की शादी, भाई की शादी, वो सिर्फ अपनी रियल वाली बहनें ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पे होने लगी है अभी ब्राइडल की एंट्री, और देखिए सारी उसकी बहनों ने तैयारियाँ की होंगी, सारा हिंगल मिला लगाया होगा, कज़ने भी हैं साथ, कज़ने फिर हेल्प में आ जाती हैं फंक्शन को, इवेंट को बढ़ाने के लिए, लेकिन सारा काम जो होता है ना बहनों का ही होता है। बहुत ही अच्छी लग रही थी उसकी बहनें भी, ब्राइडल की, ब्राइडल भी, ड्रेस भी बहुत अच्छा था, उन बहनों की भी बहुत अच्छी ड्रेसिंग लगी, सबसे अलग लग रही थी माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छा इवेंट था, अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत बहुत अच्छे करे। Thank you.
पानी पूरी इतनी मज़े की थी ना, ना इतनी मिर्चें थी, बहुत ही सफाई से और अच्छी बनाई हुई थी। मैंने दूसरी बार मंगाई, मेरा भाई कह रहा यही खाए जाओगे। लगेगा खाना और खाना यहाँ पे आ चुका है, भूख भी बहुत लग रही है हमें, और म्यूजिक की वजह से हम जो है ना व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे। बहुत ही खूबसूरत हॉल है और हम आगे व्लॉगिंग करते हुए तो जी फाइनली खाना लग चुका है और खाना आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार मेन्यू है। तो मैंने कहा अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर लेते हैं, वैसे जल्दी जल्दी में खाना खुलता है तो आवाम टूट पड़ती है, टाइम नहीं मिलता होता। लेकिन यहाँ पे माहौल इस तरह था कि सबने आराम आराम से खाना उठाया। दही बड़े तो इतने मज़े के थे और मुझे इतने पसंद आ गए ना दही बड़े, जब से मैंने रमज़ान में खाए हैं तो अब बड़े शौक से मैं बना के खा रही थी। और ये चीज़ गुलाब जामुन तो मेरे वैसे ही फेवरेट है। और यहाँ पे जी मैंने अपनी प्लेट में खाना लगा दिया है और मैं लगी हूँ अभी खाना खाने। और सबसे पहले तो मैंने जी ये उठाई थी कचौरियाँ, कचौरी इतनी मज़े की थी, कड़क कड़क फ्रेश फ्रेश खाना बिल्कुल लगा था, आप जैसे अभी बन के आया हो, एक गर्म और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। और ये हमारा सारा खाना, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ उठा ली है हमने और अभी खाना खा के मैं खाने लगी हूँ गुलाब जामुन, और ये मुझे इतने पसंद है ना, और यहाँ पर सिर्फ मुझे पसंद है, इन तीनों ने नहीं खाए बिल्कुल भी। अच्छा अभी होने लगी है रसम, हमारी रसम करेगी, उसके बाद उसके दोस्त के साथ वो फ़ोटो शूट करवाएगी और उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर के लिए। यहाँ पे 12:30 बज चुके हैं और वैसे भी हॉल इस टाइम बंद हो जाते हैं। Excuse me, आप थोड़ा सा प्लीज पीछे हो, थैंक यू। Thank you.